एक आदमी अगर कोई गद्दारी करके जाता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन पंडित रामजीलाल जी की 50 साल की तपस्या को कलंक लगाने का प्रयास एक आदमी ने किया, मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहता। लेकिन रामजीलाल जी के बेटे सुभाष जी मेरे साथ हैं, चंद्र प्रकाश जी के रियल ब्रदर ओम प्रकाश जी मेरे साथ हैं, अब पूरा और ये इनके जो तीन भाई और हैं, सारे भाई के परिवार बच्चे गांव-गांव घूम रहे हैं, हमारे को आशीर्वाद देते हैं। आज चंद्र प्रकाश की जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ चौधरी भजनलाल जी की देन है। नौकरी देने से लेके IAS तक पहुंचाने का काम चौधरी भजनलाल ने किया। अब IAS के बाद अब प्रधानमंत्री तो बना सकते नहीं हम, और आदमी की गर्ज खत्म होना चाहिए, लालच खत्म होना चाहिए। जो आपने दो नाम लिए थे वो दोनों ही बहुत सम्मानित हैं, लेकिन एजुकेशन की बात करें या मैच्योरिटी की बात करें, भव्य कहीं आगे है। जयप्रकाश जी के बारे में बात करना मेरी जबान गंदी वाली बात है। आदमपुर हल्का सभ्य और अच्छे लोगों का हल्का है, यहाँ गुंडे बदमाशों को लोग पसंद नहीं करते हैं। नमस्कार, एक पद पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ सर्वेश कुकरा, इस वक्त मेरे साथ कुलदीप बिश्नोई हैं। आदमपुर की अनाज मंडी 107 नंबर दुकान, थोड़ी देर पहले कार्यक्रम खत्म हुआ, राम रमी का प्रोग्राम था सर, शानदार प्रोग्राम कर दिया, बहुत धन्यवाद जी। और मैं मेरे चौधरी भजनलाल जी मेरे मुख्यमंत्री थे, उस वक्त भी इतनी भीड़ हमारे लिए नहीं आई, क्योंकि लोगों ने मन बनाया है और लोग दिखाना चाहते हैं भी मन से हम आशीर्वाद इस बार भव्य को देके चौधरी भजनलाल जी को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। ये जो चमक है ये फेयर एंड लवली की है, लोगों के प्यार की चमक है, इन लोगों के प्यार की चमक है जी। पूछ रहे थे लोग, कहते चमक रहा है चेहरा आज जो है ना, लोगों के प्यार की चमक है। दूसरी बात ये सर, हल्के में जब जाते हैं तो किस तरह से लेते हैं लोग, कोई समस्याएं बता रहे हैं, विकास की कोई बात होती है या किस तरह की चीज़ें होती हैं? देखिए, लोगों की समस्याएं तो हैं, जैसे खाड़ों का काम है, बिजली का काम है, गलियों का, सड़कों का काम है, और काफ़ी काम तो इलेक्शन से पहले डिटेल में पास आ गई थी, मैं 530 करोड़ मंजूर करवा चुका हूँ, बाकी अभी नई लिस्टें बन रही वो भी करवाएंगे। अब सरकार में आए तभी तो काम करने का टाइम आया मेरा। 30 तारीख को कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री का भी कार्यक्रम हो सकता है, कहाँ कैसे रहेगा? नहीं, वो आएंगे जरूर, की रैली एक हम प्रस्तावित है, और वो ओम प्रकाश धनखड़ जी आज या कल में घोषित करेंगे उसको। दूसरी बात ये है कि भव्य बिश्नोई भी यंग है, अभी मैं रेणुका जी से बात कर रहा था, तमाम जो बड़े लीडर्स थे उनके सभी की जो अगली पीढ़ी आ रही है वो यंग आ रही है, तो जमाना यंग का आ रहा है। अगर दुष्यंत की बात करें तो उनके परिवार में वो यंग आ गए थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी आपके जो है ना भव्य बिश्नोई, तो ये यंग है, इनमें लोग अब कंपेयर करेंगे, तो मैं भी उनसे भी पूछा था, आपसे पूछ लेता हूँ, दो एक खूबियाँ भव्य की बता दो क्योंकि वो यंग है, पढ़ लिख के है। भव्य, अगर जो आपने दो नाम लिए थे वो दोनों ही बहुत सम्मानित हैं, लेकिन एजुकेशन की बात करें या मैच्योरिटी की बात करें तो भव्य कहीं आगे है। भव्य स्कूल में पूरे कंट्री में टॉप किया, 10th में 12th में टॉप किया, लंदन स्कूल इकोनॉमिक्स में पढ़े, उसमें वहाँ भी सेकेंड आए, उसके बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मास्टर्स की, और हज़ारों में से एक बच्चे को ब्लू ब्लेजर मिलता है, वो ब्लू ब्लेजर होल्डर है। फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटी है, वहाँ सेकेंड मास्टर्स कर रहे थे। फिर कम से कम 11 या 12 सोशल ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं या उनके हिस्सेदारी हैं, जैसे भजन ग्लोबल इम्पैक्ट फाउंडेशन थी, कोविड के टाइम पे 60 लाख परिवारों को पूरे हिंदुस्तान में फ्री दवाइयाँ, फ्री खाना भव्य ने बंटवाया मेरे पिताजी के यहाँ पे फाउंडेशन में। हर साल एक बच्चे को हम लोग भेजते हैं, भव्य भेजता है बाहर पढ़ने के लिए फ्री, एनवायरमेंटलिस्ट कोई बच्चा एनवायरमेंट में पढ़ना चाहे तो। और इसी प्रकार बहुत सी संस्थाओं के, किसी में जनरल सेक्रेटरी, किसी में प्रधान, और सोशल वर्क करते हैं, सामाजिक बच्चा है, पढ़ा लिखा बच्चा है, होनहार बच्चा है, चौधरी भजनलाल जी का खून है, मतलब। अच्छा, दूसरी बात ये, चंद्र प्रकाश अभी शामिल हुए हैं दिवाली से एक दिन पहले ही, वो कुछ लोग जोड़ के देख रहे थे पंडित रामजीलाल से, उनका आपके परिवार से बड़ा गहरा ताल्लुकात रहे हैं, उस पर कोई आप बात कहना चाहेंगे? हालांकि उनके बेटे तो शायद अभी आपके साथ ही वोट, रामजीलाल जी का पूरा परिवार मेरे साथ है, और एक आदमी अगर कोई गद्दारी करके जाता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन पंडित रामजीलाल जी की 50 साल की तपस्या को कलंक लगाने का प्रयास एक आदमी ने किया, मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहता। लेकिन रामजीलाल जी के बेटे सुभाष जी मेरे साथ हैं, चंद्र प्रकाश जी के रियल ब्रदर ओम प्रकाश जी मेरे साथ हैं, अब पूरा और ये इनके जो तीन भाई और हैं, सारे भाई के परिवार बच्चे गांव-गांव घूम रहे हैं, हमारे को आशीर्वाद देते हुए। उनका कभी भला किया था क्या चंद्र प्रकाश जी के, कुछ कोई काम की हो, कुछ ध्यान हो आपको भजनलाल जी जिस वक्त होते थे? आज चंद्र प्रकाश की जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ चौधरी भजनलाल जी की देन है। नौकरी देने से लेके IAS तक पहुँचाने का काम चौधरी भजनलाल ने किया। अब IAS के बाद अब प्रधानमंत्री तो बना सकते नहीं हम, और आदमी की गर्ज खत्म होना चाहिए, लालच खत्म होना चाहिए। जयप्रकाश के बारे में एक कमेंट चाहूँगा, उसको कैसे देखते हैं? ये जयप्रकाश जी के बारे में बात करना मेरी जबान गंदी वाली बात है। आदमपुर हल्का सभ्य और अच्छे लोगों का हल्का है, यहाँ गुंडे बदमाशों को लोग पसंद नहीं करते हैं, और जयप्रकाश जी से आए उनकी भाषा से लेके उनकी कार्यशैली तक हर चीज़ गुंडे बदमाशों वाली है, तो मैं उस पर टिप्पणी करना, अपना मुँह ख़राब नहीं करना चाहता। शुक्रिया सर बात करने के लिए। कुलदीप बिश्नोई थे, हल्के में दौरे भी हैं इसलिए 2 मिनट का समय निकलवाया था, थोड़ी देर पहले एक इनका प्रोग्राम था नीचे, राम रमी प्रोग्राम जिसको कहते हैं, काफ़ी सारी भीड़ जुटाई थी, समर्थन मिल रहा है, कमेंट करें खुल के, और आप देखते रहे एक पोस्ट।